कौन हो? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, और ये तो मकान बिल्कुल टूट गए हैं। और ये दरवाज़ा अभी तक बंद है और टूटा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप देख सकते हैं, ये कभी भी गिर सकता है नीचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नीचे ईंटें करने की आवाज़ आ रही है। ऊपर से अभी भी नीचे की तरफ ईंटें गिर रही है। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी अभी भी मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं, आसपास बिल्कुल फसलें हैं। और अक्सर ये इन लोगों का कहना है कि रात के वक्त अक्सर इधर आग लग जाती है। ये आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पर जा रहे हैं। ये कल रात की बात है, इस जगह पे कल रात को ही आग लग गई थी। पूरे का पूरा जो गांव है, इन लोगों जिन्नात ने इसे बर्बाद कर दिया।
और ये जो उनका जो मेन घर, जैसे आप सरपंच कहते हैं, ये उनका घर था, काफी बड़ा है ये। ये उनका घर है। जगह पर काफी अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी लाइट चलानी पड़ेगी हमें। इस जगह पे एक्टिविटी पीछे पीछे बाज की तरफ सुन रहा हूँ, इधर से भी कुछ महसूस हो रहा है। इधर से कुछ करने की आवाज़ आई। शायद ये ईंटें वगैरह गिरी है नीचे। इस कमरे में भी ऊपर की तरफ तवीत वगैरह बांधे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अल्लाह हू अकबर। इधर से आवाज़ें तो आ रही हैं इन कमरों के अंदर से, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आज किस कमरे से रही है ये आवाज़ें। अल्लाह अकबर। इस कमरे के अंदर कोई चीज़ है। अल्लाह अकबर। इस जगह पे चीज़ें मौजूद हैं। लाइट ऑन करना ज़रा, इस कमरे के अंदर कोई चीज़ है। इस कमरे के अंदर ही है। कौन है? लगता है वो बूढ़ी चड़ेल है जो हमारे पीछे पीछे ये आप देखें कि ये एक कमरा बंद किया हुआ है। कुछ आवाज़ें अजीब सी भी आ रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी किस कमरे से आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कमरा बंद किया हुआ है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई चीज़ हो। एक ये दरवाज़ा बंद किया गया है और एक ये बंद किया गया है। और ये एक दरवाज़ा बिल्कुल बंद किया गया है। लगता है कि इन कमरों के अंदर कोई चीज़ ऐसी जो कैद है, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है।
और ये अब हम और मकान के अंदर आ गए हैं। ज़्यादा एक्टिविटी हमें उसी मकान के अंदर मिली थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें और पत्थर और ईंटें हमारी तरफ फेंके गए हैं। दोस्तों इस जगह पे पहले कभी नहीं आए हम लोग। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त ही जिन्नात होते हैं, तो आपने देखा कि हमारे ऊपर कैसे हमला हुआ और कैसे हमारे जो ऊपर ईंटें फेंकी गई उनकी पूरी पूरी कोशिश यही थी कि हमारी वो जान ले लें, लेकिन ये क्या है। ये निशान अजीब से बने हुए हैं। लगता है उस कमरे के अंदर कोई है। इस कमरे के अंदर कोई चीज़ है। इन कमरों के अंदर अभी भी कुछ अजीब सी एक्टिविटी है, जो आवाज़ें आ रही हैं हमें। अक्सर ये भी हो जाता है कि इन ये जो जिन्नात होते हैं वो अपना सुकून कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग उल्टे सीधे चीले काट कर इस जगह पे जो उनको बेआराम कर देते हैं, उनको गुस्सा दिला देते हैं, उसके बाद ये जो मामला शुरू हो जाते हैं इस जगह पे। जिधर से भी गुजरो, जिस जगह पे से भी जाओ, कोई ना कोई चीज़ मौजूद ज़रूर होती है। अल्लाह हू अकबर। इस जगह पे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। कौन हो? लगता है इस कमरे के अंदर से आ रही हैं। कौन है ये? आप देखें, हम ज़रा आगे जाकर देखते हैं। इधर से अल्लाह अकबर। कौन? अल्लाह अकबर। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह अकबर। इधर से निकलना चाहिए यार, इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है, ये ना हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी कमरे के अंदर मैंने उसे देखा, इधर ही वो बैठी हुई थी वो चीज़।
इस जगह से बाहर की तरफ वो पत्थर फेंक रही थी हमारी तरफ। तो दोस्तों अभी आप लोगों से हम इजाज़त लेते हैं क्योंकि कुछ ही देर में इधर रात हो जाएगी, तो रात को इधर रुकना हमारे लिए अलाउ नहीं है क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है रात के वक्त इधर रुक के वीडियो कैप्चर करने। अस्तग़फ़िरुल्लाह, दो दफ़ा हमारे ऊपर, तीन दफ़ा हमला हो चुका है इस जगह पे, तो मज़ीद ये ना हो कि हमारे जो टीम के लड़के हैं उनके ऊपर मज़ीद कुछ हमला किया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ इधर। तो अभी आप लोगों से जो हम इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर हमें रात के वक़्त की इजाज़त मिल गई तो इंशाल्लाह आप भाइयों से ज़रूर जो ये वीडियो ये जगह शेयर करेंगे, वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपने देखा कि इस घर के अंदर कितनी ज़्यादा एक्टिविटी है, तो मज़ीद जो हमें नुकसान भी हो सकता है, तो आप भाइयों से भी हम इजाज़त चाहेंगे। और ये आप सुन सकते हैं अभी भी कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह हाफिज़।